कई बार आपने जब जब भी विभाग द्वारा आवेदन मांगा गया खासकर स्थानांतरण, तो क्या ये समस्या नहीं है? क्या हमारा अधिकार परिवर्तन होता है तो हर कुछ परिवर्तन। मुकेश कुमार आज प्रदेश उपाध्यक्ष स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की क्या मांग है जो अभी तक आप लोगों की नहीं सुनी जा रही, जबकि कमेटी भी बना दी गई है? क्या लग रहा है, क्या कुछ हो रहा है? लोग निलंबित है हमारे खुद संगठन से 500 से ज्यादा निलंबित। प्रारंभिक विद्यालयों में यानी प्राथमिक विद्यालयों में 200 वर्किंग डे होना चाहिए एजुकेशन के लिए, और मिडिल स्कूल में 220 दिन होना चाहना चाहता हूँ। जो हम लोग 253 दिन तो हमारा वर्किंग डे हो गया, इसके अलावा भी हम लोग को रविवार के दिन, शनिवार के दिन और भी जो बहुत सारी छुट्टियाँ रहती है उसके दिन सरकार द्वारा बहुत सारे काम हमारे ऊपर अचानक से थोप दिए जाते। छठ का पर्व है, छठ का पर्व तो हमारे बिहार के लिए बहुत स्पेशल पर्व है, समझिए कि बिहार का ही वो पर्व ही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है, मैं शादाब मलिक। बिहार में शिक्षकों की कई तरह की मांगें हैं, जहां एक तरफ नियोजित शिक्षक अपने आप को अस्थाई राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं, सामान्य तौर से स्थानांतरण की मांग को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, वहीं के पाठक द्वारा कई तरह के जो नए नियम बनाए जा रहे हैं उससे भी वो त्रस्त दिख रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ शिक्षक मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनकी परेशानी को जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम भारत भूषण हुआ। क्या आपकी मांग है, क्या आप लोग कहना चाहते हैं? मेरी मांग है, मेरी एक अहम समस्या है। मैं 92 में मेरी बहाली हुई थी, 92 में मैं 92 से ही मैं एक ही विद्यालय में जो कार्यरत हूँ। मैं 2014 से कई बार अपने जब जब भी विभाग द्वारा आवेदन मांगा गया खासकर स्थानांतरण के लिए, मैंने तब तब दिया उनको, लेकिन वो स्थानांतरण आवेदन लेकर करके और चुपचाप जो है पता नहीं सो जाते हैं। अभी तक हम लोग का स्थानांतरण नहीं हुआ। 2014 से दर्जनों बार हमारे पास एविडेंस है, और उस एविडेंस के साथ मैंने विगत 2 महीना पहले जो हमारे अभी नए नए अपर मुख्य सचिव महोदय हैं के पाठक जी, उनको भी मैंने 2 बार रिमांडर, एक रिमांडर पहले आवेदन, उसके बाद हमने रिमांडर भी भेजा हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने, अपर सचिव महोदय ने हमारे आवेदन पर ना ही कोई विचार किया, ना ही हमें कोई सूचना दी गई। एक तरफ वो कहते हैं कि हम शिक्षकों की समस्या को दूर करने चले हैं, तो क्या ये समस्या नहीं है? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि मैं 31 साल से मैं एक ही विद्यालय में हूँ? ऐच्छिक स्थानांतरण की बात है, 2006 नियमावली का भी मैं हकदार हूँ, 2020 में 18 में नियमावली उसका मैं हकदार हूँ, सारे नियमों का मैं हकदार हूँ, और दर्जनों बार आपने मांगा है, आपके विभाग ने मांगा है, और वो दर्जनों बार हमने जो आवेदन दिया है वो सारा एविडेंस के साथ मैं माननीय अपर मुख्य सचिव, माननीय निदेशक महोदय, माननीय RDD महोदय, माननीय DPO महोदय, माननीय DO महोदय, सभी को हमने आवेदन दिया, रिमांडर भी हमने दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक सूचना तक मुझे नहीं मिली कि हाँ आपका आवेदन पर विचार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पता नहीं मुझे हस्तांतरण होगा या, चूँकि मेरी सेवा अभी 7 साल बची हुई है, मैं चाहता हूँ, चूँकि 22 साल की उम्र में हमने योगदान किया था, आज हमारी उम्र 53 साल हो गई, इतना दिन बहुत सारे परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होता है तो हर कुछ परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन मेरा विद्यालय का परिवर्तन आज तक नहीं हुआ। और मैं इस तरह से मैं पूरे परिवार के साथ मैं जूझ रहा हूँ इस समस्या से। इसका जो है हमारा मानसिक है ना, कहाँ पोस्टेड है? मैं मध्य विद्यालय फुलवारी शरीफ, मध्य विद्यालय गंदीपुर सकरेचा फुलवारी शरीफ। चाहते कहाँ? मैं चाहता हूँ अपने, चूँकि अच्छी स्थानांतरण है, मैं चाहता हूँ कि शहर के नज़दीक मेरा जो है, चूँकि मैं शहर में किराए के मकान में मैं रह रहा हूँ 32 साल से, मैं शहर में चाहता हूँ, चूँकि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, सब कुछ बढ़ती जा रही है, मुझे 25 किलोमीटर विद्यालय चल करके जाना पड़ता है, 25 किलोमीटर चल के आना पड़ता है, तो ये तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार आज प्रदेश उपाध्यक्ष स्टेट उत्तीर्ण नियोजित स्टेशन। अच्छा, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जी। नियोजित शिक्षकों की क्या मांग है जो अभी तक आप लोगों की नहीं सुनी जा रही, जबकि कमेटी भी बना दी गई है? क्या लग रहा है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, नियोजित शिक्षकों की ज्वलंत अभी मांग 3 ही है। पहला जो हमारा पुराना मांग है, राजकर्मी का दर्जा, बिना शर्त राजकर्मी दर्जा के लिए हम लोगों ने 11 जुलाई को गंदनीबाग धरना स्थल पर धरना दिया था, जिसमें हुआ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी विजय चौधरी जी ने जो है वो सकारात्मक एक संदेश दिया कि हम जो है शिक्षक संघों से वार्ता करेंगे, और इसी संदर्भ में जो है वो 5 अगस्त को महागठबंधन का बैठक भी रखें। उस बैठक के बाद जो है
सभी जो माननीय सदस्य जो गए थे उनके द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री जी तो तैयार हैं, तो उसके लिए कमेटी बनेगा। अभी तक कमेटी का गठन भी नहीं हुआ है, ना अभी तक कोई एक भी दिन बैठक भी हुआ है। तो हम लोग तो अभी इंतजार ही करते रह गए। अभी तक जो है हमें राजकर्मी के दर्जा के लिए सिर्फ संकेत मिल रहा है। सिर्फ कभी माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को गांधी मैदान से कभी संकेत देते हैं, तो कभी कुछ मतलब जो मिल रहा है संकेत के तौर पर मिल रहा है। और दूसरा हमारा मांग था कि जब हमने नियमता 11 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया था पूरी तरह संवैधानिक तरीकों से अपना परमिशन लेकर पूरी तरह से, फिर भी जो है हमारे मोर्चा के घटक दलों के कई सदस्यों को जो निलंबित कर दिया गया पूरे बिहार में, और इसकी संख्या 1000 के पार है। 1000 लोग निलंबित है, हमारे खुद संगठन से 500 से ज़्यादा निलंबित हैं। तो वो उनका क्या गुनाह है, वो तो परमिशन लेके सीएल लेके इस धरना प्रदर्शन शामिल होने आए थे और उन लोगों को निलंबित कर दिया गया है, तो बहुत ही। छुट्टी पर क्या कहना चाहेंगे, जो छुट्टी पर अभी एक तरह से कहा जाए तो बुलडोजर चला दिया है के पाठक ने। छुट्टी पे यही कहना चाहेंगे तो बहुत ही निर्णय गलत है। वो आरटीआई 2009 का हवाला दे रहे हैं, तो आरटीआई 2009 में जो है आरटीआई 2009 है उसमें है कि प्रारंभिक विद्यालयों में यानी प्राथमिक विद्यालयों में 200 वर्किंग डे होना चाहिए एजुकेशन के लिए, और मिडिल स्कूल में 220 दिन होना चाहिए। लेकिन हम लोग पूर्व से ही जो है हम लोग 253 दिन जो है वर्किंग डे हम लोग का है, पहले से ही है, क्योंकि 60 हमारा छुट्टी था पर्व त्यौहार का और 52 रविवार था, सब मिला के 112 हुआ। 365 दिन वर्किंग डे होता है, 365 दिन साल में होता है, अगर हम उसको माइनस करें तो 253 दिन, तो 253 दिन तो हम लोग पूर्व से ही काम कर ही रहे हैं। तो फिर ये क्या इस छुट्टी कटौती करने का क्या तरीका हुआ, ये तो बहुत गलत तरीका है, ये बहानेबाजी है। आपका नाम है सर? संजीव कुमार। इसी में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, जो हम लोग 253 दिन तो हमारा वर्किंग डे हो गया, इसके अलावा भी हम लोग को रविवार के दिन, शनिवार के दिन और भी जो बहुत सारी छुट्टियाँ रहती है उसके दिन सरकार द्वारा बहुत सारे काम हमारे ऊपर अचानक से थोप दिए जाते हैं, बगैर किसी सूचना के अचानक वो व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कल आपको उस काम के लिए आपको लग जाना है। तो हम लोग जो एक प्री प्लानिंग किए हुए रहते हैं कि हम इस छुट्टी के दिन हम अपना ये काम करेंगे, पहले से वो निर्धारित रहता है, हमको वो अचानक से वो काम दे दिया, वो कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा जो हमारा वो बाकी काम रह गया था, तो हम सोचते हैं वो संडे को करेंगे या जो अगली छुट्टी है उस दिन करेंगे, वो अचानक से ये भी कैंसिल हो गया। और सर एक आरटी की बात कर रहे हैं, वो आरटी हमारे जो हम लोग जो पढ़ाई की है उसके अनुसार बताया गया है कि हमारे जो बच्चे हैं वो परिवेश से सीखते हैं, इन पर्व त्यौहारों में वो सीखते हैं, वो आदि रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाएंगे, होली सही से नहीं मना पाएंगे, जन्माष्टमी का त्यौहार नहीं मनाएंगे, तो उसमें क्या क्या होता है कैसे सीख पाएंगे, उसमें क्या होता है एक सामाजिक सरोकार, संस्कृति से भी दूर होते चले जाएंगे, वे अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे, अपनी सभ्यता से दूर होते जाएंगे, और इनमें सद्भावना का संदेश होता है। इन सारे जो भी एक पारिवारिक बाउंडेशन होता है, परिवार के लोग एक साथ मिल करके उस दिन रहते हैं, कुछ कुछ खाते हैं, कुछ नए तरह का व्यंजन बनता है, तो एक क्या इससे भी वो बच्चों को शिक्षा मिलती है क्या हमारे राज्य में। अब जैसे छठ का पर्व है, छठ का पर्व तो हमारे बिहार के लिए बहुत स्पेशल पर्व है, समझिए कि बिहार का ही वो पर्व ही है। अब उस दिन छुट्टी यदि कटौती हो गई तो शिक्षक भी वो मनोयोग से तो वो पढ़ा नहीं पाएंगे, जाहिर है कि फिर मेंटली उनका वो प्रिपरेशन नहीं होगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा था अंतरांतरण को लेकर के कि आखिर मैं जानना चाहूँगा अपने अपर मुख्य सचिव महोदय से कि इतना करने के बावजूद आखिर मेरा स्थानांतरण होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, मेरी मौत के बाद होगा या मेरा स्थानांतरण के बाद होगा। क्योंकि बिहार सरकार में ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति मर गए उनके नाम से लोगों ने क्या क्या ऐसा सुनने में आता है, शायद ऐसा ही तो मेरे साथ नहीं हो। तो ये शिक्षकों का दुख है, दर्द है, और जो तकलीफ है उन्होंने मीडिया के जरिए अपनी बातों को शेयर करने की कोशिश की है। के पाठक द्वारा जिस तरह से कार्य किया जा रहा है उससे भी लोगों में रोष है, खासकर शिक्षकों में। अब देखना है कि सरकार इनकी परेशानियों को, इनकी मजबूरियों को, और जो छुट्टी पर जो एक तरह से कहा जाए तो के पाठक ने बुलडोजर चलाया है, उसको लेकर सरकार आगे क्या नियम बनाती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ साथ ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।